मेरठ के आनंद अस्पताल के अंदर चल रहे मेडिकल स्टोर पर जीएसटी के छापेमार कार्रवाई हुई। जीएसटी के अधिकारियों की माने तो करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की टैक्स चोरी की। आनंद मेडिकल स्टोर पर छापे मारने पहुंची जीएसटी की टीम उस समय हैरान हो गई जब मौके पर आनंद फार्मेसी के नाम से मेडिकल स्टोर चलाया गया। जबकि अधिकारियों ने जब गहनता से छानबीन की तो पता चला कि टैक्स चोरी के बाद पुरानी फर्म को बंद कर दिया गया था और अब नई फर्म के नाम पर मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है। जी, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये अस्पताल पे छापा नहीं है, आनंद मेडिकल स्टोर पे है, जो कि लास्ट 1 साल से लगभग 1 करोड़ की टैक्स की चोरी कर रहा है। इन्होंने अपने जो टैक्स की लायबिलिटी थी वो डिक्लेयर नहीं कर रखी थी और उसी की वजह से 1 करोड़ की इनकी चोरी लगभग हमारे जब सामने आई तो हम यहाँ पर सिर्फ मेडिकल स्टोर पर हम छापा मारने आए हैं। इसका अस्पताल से कोई लिंक नहीं है। हमारी ये खास ये प्रायोरिटी है कि हम यहाँ पे जितने भी मरीज हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ सर, ये जो मेडिकल है किस नाम से मेडिकल है और कब से कितनी चोरी हो चुका है? जिसके हम छापे के लिए आए हैं या सर्च के लिए आए हैं उसका नाम है आनंद मेडिकल स्टोर है। एक्चुअली ये सितंबर तक इसका रिटर्न फाइल था और सितंबर 2018 तक का, उसके बाद का हमको मालूम नहीं था कि उसने कितनी टैक्स की चोरी करी है। तो जब यहाँ पर हम आए हमने उससे डॉक्यूमेंट लिए तो हमको मालूम चला कि लगभग 1 करोड़ की इसकी कर की चोरी है और इन्होंने क्या किया है, अपना सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म करके आनंद फार्मेसी के नाम से एक नया स्टोर बना लिया था। तो हमको मालूम नहीं चल पा रहा था, तो जब हम यहाँ पे आए जब हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हाथ में आए तो हमें मालूम चला कि 1 करोड़ की इनकी लगभग चोरी है, तो वही हम इनसे जमा कराना, जो हमारा मेन एम यही है। एक्चुअली इनका जो कहना वो ये है कि पहले आनंद मेडिकल स्टोर के नाम से इन्होंने एक रेंट पे दिया हुआ था, उसने फरवरी या मार्च तक का अपना बिजनेस किया और उसके बाद मार्च के बाद आनंद फार्मेसी के नाम से एक नया मेडिकल स्टोर इन लोगों ने रेंट पे दिया। तो जो उस बीच की जो इनकी जो सेल थी वो उन्होंने कहीं पे डिक्लेयर नहीं कर रखी थी, तो उसके बेस पे जब हमने डॉक्यूमेंट देखे तो हमको मालूम लगा कि लगभग 8.5 करोड़ की सेल थी और उस पर 1 करोड़ के आसपास GST बनता था और उसमें अगर आप इंटरेस्ट लगा देंगे तो लगभग वो 1.25 करोड़ के आसपास की इनकी GST का बनेगा। अब कार्रवाई देखिए, वो पहला स्टेप तो ये है कि इनसे वो जमा करा जाए, पहला उनसे जो रिटर्न है वो भरवाया जाए, उससे मालूम चलेगा कि उनकी लायबिलिटी उनकी कितनी बनती है टैक्स की और उसके बाद वो उसको जमा करें शीघ्र ही। देखिए, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होती है जब तय जब हॉस्पिटल की ओनर इसमें इन्वॉल्व हो। अभी वो जैसा इनका कहना है कि वो रेंट पे दिया हुआ है और वो सिर्फ वो किराया लेता है, तो अभी जांच पड़ताल अभी जारी है, अभी और देखते हैं और कितनी अभी तक निकलती है। अभी तक जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए जो दस्तावेज आए उससे 1 करोड़ के आसपास की बनती है। अभी आगे जाँच पड़ताल वो जारी रहेगी, अभी देखते हैं आगे क्या निकलता है। देखिए, अभी तो कोशिश यही है कि वो कम से कम मतलब जो 1 करोड़ का है तो कम से कम ये 50-60 लाख जो है वो टैक्स शीघ्र ही जमा कर दे, अगर नहीं करते तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ये कि फिर सीज किया जाएगा इनका कंप्यूटर, इनके डॉक्यूमेंट या मेडिसिन वगैरह सीज की जाएंगी और उसके बाद देखते हैं ये जमा करते हैं या नहीं करते हैं।